मॉर्निंग से अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध, और एक खुशी का कारण ये भी था आज मॉर्निंग में, लेकिन जब मैं आज सुबह उठी तो बेटे के साथ थोड़ी मेरी बहस हो गई थी, तो उसके कारण मेरा मूड ख़राब हो गया था। लग रहा था कि आज दिन ख़राब हो गया है, सुबह सुबह मूड हो जाता है ना ख़राब, तो लेकिन ये खुशी में कैसे बदल गया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ये पूजा कर ली तो उसके बाद मैंने चेंज करा और मैंने पहनी थी ये वाली साड़ी। तो आज ना मैं पन्नी में लेके आई, क्योंकि आज मैं सिर्फ पूछने के लिए थी, मुझे किसी ने बताया ना कि वहाँ पे मिल रहा है दूध, तो पहले मैंने कहा मैं पूछ के आती हूँ। पहले तो मुझे ढूंढने में इतना टाइम लग गया, तो फिर उन्होंने मिल गया मुझे घर, तो मैं पन्नी में उठा के ले आई। और अभी बस मैंने भी चाय वाय पी है। मेरा मूड तो ख़राब होता है ना दोस्तों, लेकिन मैं अपना दिन कभी भी ख़राब नहीं होने देती। ये एक अच्छी आदत बोलिए या बुरी आदत, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खुश रख सकती हूँ, और कोशिश तो मैं करती ही हूँ। हाँ, आज सुबह मैं वीडियो नहीं बना पाई, जब मैं साड़ी की वीडियो, मतलब जब मैंने पूजा की थी साड़ी पहनकर, सुबह का जो भी होता है रूटीन मेरा वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि आज थोड़ा रूटीन ही अलग था, क्योंकि 8 बजे जाना था आरचिसा को स्कूल, और छोटे बेटे को जाना था अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ अभी, सुबह मैंने छोटे बेटे के लिए बनाया था, उसके बाद सीधे 8 बज गए थे, पूजा पाठ मतलब मैंने की थी इसके बीच में, और उसके बाद 8 बज गए थे। मैं आरचिसा को छोड़ने के लिए गई चेंज करके, क्योंकि साड़ी मैंने डाली हुई थी, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो रहा था। तो आते हुए मैं दूध और सब्जी लेके आई, उसके बाद मैंने दोनों के लिए, आरचिसा के लिए उसने आना है 11 बजे, आरचिसा ने, और नहीं सॉरी 12 बजे, और मेरे छोटे बेटे ने आना है 11 बजे। तो आज का जो दिन था बहुत ही भागा दौड़ी वाला था, और पंगा इस बात में हुआ था मेरे बेटे से मेरा, क्योंकि आज जो ना कार्तिकेय को छोड़ने के लिए नहीं गया। तो हो जाता है, बच्चे नींद में कभी होते हैं तो मन नहीं होता है, लेकिन रोज़ जब कोई किसी काम को करता है और एक दिन उस काम को ना करे तो दूसरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, क्योंकि वो उस काम के लिए तैयार नहीं होता है मेंटली और फिज़िकली भी। तो इस कारण से थोड़ा मुझे हौच पौच हो गई थी, और बस इसी कारण से थोड़ा मेरा मूड ऑफ हो गया था। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो भी घर के काम थे करने के बाद मैं ढूंढ रही थी आधार कार्ड, मेरे हस्बैंड ने बोला हुआ था, क्योंकि ऑनर को वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है जिस मकान में हम रहते हैं। कुल भूल गई थी, और ढूंढ तो मैं आधार कार्ड रही थी दोस्तों, दिमाग तो एक वैसे ही दिमाग थोड़ा सा ख़राब था, ऊपर से आधार कार्ड ढूंढते ढूंढते मेरा दिमाग मतलब मिल नहीं रहा था, लेकिन मिल गया फाइनली। उसके बाद जो ये पुराना खजाना मुझे मिला आज, बिलीव मी दोस्तों, इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे, और लापरवाही नहीं कहूँगी दोस्तों, ये मुझे अभी भी ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं आइडिया लगा रही हूँ, मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था, तो नानी ने, मासी ने, दादी ने एनवलप में दिया होगा, और मैंने एनवलप मैं देख रही होती हूँ, लेकिन रोज़ देखती थी मैं इनको, लेकिन खोलती नहीं थी, लेकिन आज माता रानी का इशारा था जो मैंने खोला, और 22-23 मतलब 25 तक 100 तक खजाना निकला इसमें। और मैंने ना एनवलप ऐसे ही रखे होते हैं, मतलब कभी किसी का बर्थडे होता है तो देने के लिए मैं सोचती थी वैसे ही है। तो आरचिसा का कॉल आ गया था, 11 बज गए थे, 11 से ऊपर हो गए थे, तो फिर मैं थोड़ा दिया बाती, यहाँ पे घर से जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो ये सब देख के जाती हूँ, आजकल नवरात्र चल रहे हैं ना, तो फटाफट से गई। और मुझे बहुत सारे काम थे, लेकिन उनमें से एक ज़रूरी काम था, पहले ये गिफ्ट की शॉप देख लो दोस्तों, उसके बाद ये गिफ्ट देखना जो मैंने लिया है। तो हमारे ऑनर हैं जो उनका बेटे का बर्थडे था यस्टरडे, ले रहे हम गिफ्ट। हेलो, हेलो, हाँ जी, और यहाँ से लेने थे दोस्तों मुझे फूल, तो मैंने फूल ले लेते 12 बजे, याद आ रहा है मुझे, तो 12 बजे मैं आरचिसा को कॉलेज लेने के लिए गई थी। तो ये सब आसपास की शॉप है हमारी, जहाँ मैं अपने काम निपटा रही थी। एक प्यारी सी पिक्स मैंने यहाँ पे ली, और बीकानेर से लिया ढोकला और ये कोल्ड ड्रिंक। तो कार्तिकेय को भी जाना था 1 बजे ट्यूशन, तो उसको जल्दी हो रही थी, तो उसके लिए मैंने फटाफट से लंच तो बना नहीं था, लंच बनाने से पहले ही मैं घर से बाहर थी, तो लंच बनाने का आज थोड़ा टाइम नहीं मिला। आधार कार्ड का काम भी ज़रूरी था, और आरचिसा को लाना भी ज़रूरी था, तो उसके लिए मैंने फटाफट से बनाई मैगी, उसके पसंद की थोड़ी सी स्नैक्स।
आज कंटिन्यूसली दोस्तों ऐसा टाइम टेबल हो रखा था बच्चों का कि फटाफट से मैं आ रही थी जा रही थी, तो मैं कार्तिक को कह रही थी कि कैप्चर लेना, अच्छे से थोड़ा सा बना ले मेरा वीडियो। तो आजकल दोस्तों रामलीला चल रही है, जैसे आजकल नवरात्र चल रहे हैं ना, तो वही बैनर लगे हुए थे। ये है दोस्तों देहरादून आर्मी पब्लिक स्कूल, इधर पढ़ता है और इधर सुबह स्कूल भी आता है कार्तिक, और इसी से आगे पढ़ता है उसका कोचिंग। तो वहाँ मैंने उसको छोड़ा, उसके बाद सब्जी ली, कद्दू आलू और पालक, उसके बाद बीच में शॉप पड़ी फ़ोटो स्टेट करवाने की, तो आधार कार्ड की मैंने फ़ोटो स्टेट करवाई चारों की, तो ये वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी था, तो हस्बैंड ने बोला हुआ था, तो ज़रूरी काम रहता तो उसको निपटाना ज़रूरी बनता है। और हो गया था टाइम लंच का, तो पहले हो गया था, लेकिन आज कंटिन्यूसली ये काम चल रहे थे तो मैं लंच नहीं बना पाई, क्योंकि मैं ही बाहर के भी अंदर के भी दोनों के काम संभाल रही थी। लेकिन आने के बाद मैंने लंच भी बनाया फटाफट से, क्योंकि काम तो करने ही हैं और हिम्मत से काम करने होते हैं दोस्तों, कभी किसी पे ना डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और ये तो खैर नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि मेरे बेटे के साथ मतलब बहस क्या हुई, वो उठा ही नहीं जब मैंने उसको बोला, क्योंकि उसको नींद पड़ी हुई थी, और ऐसे मुझे लगता है कि हर घर में होता होगा। तो अपने हैं तो अपनों के साथ कभी प्यार होता है, कभी बहसबाजी होती है, यही तो एक फैमिली होती है। फैमिली में प्यार इसी चीज़ों से बढ़ता है, इमोशन हम लोग समझते हैं, तो खैर ये तो बात अलग है। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि मेरी खुशी का सबसे बड़ा कारण होता है कि मैं ना किसी पे गुस्सा नहीं होती हूँ, ना ही मैं किसी की बातों का बुरा मुझे लगता है। मैं मेंटली पहले से प्रिपेयर रहती हूँ कि भाई कोई खुशी हमको अपनी इच्छा से नहीं देगा, हम जब खुश रहेंगे तो अपनी इच्छा से रहेंगे, वो खुशी देगा तो अपनी इच्छा से देगा, जब उसका मूड ख़राब होगा तो हमें क्यों खुश रखेगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो इसलिए आप मेंटली पहले से प्रिपेयर रहो कि बस कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप हमेशा इस चीज़ का माइंड ना करो, तो तभी आप खुश रह सकते हो। तो मुझे खुशी होती है कि मैं हमेशा इस चीज़ को याद रखती हूँ, तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं होता है। तो आने के बाद मैंने लंच बना दिया है, सब्जी मैंने रख दी है जहाँ लंच करेंगे हम लोग। सो आज इतना बिजी शेड्यूल था, भागा दौड़ी। सो बस बन गया है लंच, बन रहा है लंच। बस फटाफट से दोस्तों उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया झाड़ू, और बैटरी मेरी लो हो चुकी थी बिल्कुल ही, क्योंकि सुबह से फ़ोन मेरा वर्किंग में था, तो वैसे फ़ोन ऐसे चलने में लगा इसकी बैटरी भी लो हो गई, तो मैं लगा रही इसको चार्ज पे, तब तक मैं झाड़ू पोछा लगा ली। उसके बाद एक दोस्तों मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटाए, तो बस मैंने यहाँ पे पूरा घर पहले क्लीन किया झाड़ू और पोछा लगा के, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी फ़ोन में एक तो बैटरी भी लो हो गई है, आजकल वीडियोस मुझे डिलीट करने का टाइम नहीं मिलता, तो स्टोरेज भी फुल हो रखी है। तो इसके बीच में मैंने कपड़े भी वॉश करे, शॉर्ट रील बनाई जो आपने देखी होगी यस्टरडे, उसके बाद मैंने चेंज करा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि लाइव दूँ, लेकिन लाइव मैं दे नहीं पाई, मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी कि मेरा बेटा आ जाएगा 3 बजे, लेकिन उसने 4 बजे आना था, तो उसके बीच में मैंने ये कपड़े वॉश किए। शनिवार है तो ड्रेस वगैरह मैंने क्लीन कर दी है, ताकि संडे को थोड़ा आराम मिले, और आराम तो कहाँ बट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है मम्मियाँ एक दिन पहले, अगर ड्रेस वगैरह बच्चों के धुल जाए, यूनिफॉर्म वगैरह। तो बस बच गए थे दोस्तों, मतलब 4:10 हो गए थे, तो कार्तिक आ गया था सीधे किचन में, तो बस अब हम लोग लंच करेंगे। और ये है राजमा की दाल, हम सबकी फेवरेट। तो उसके बाद गई मैं वासु से मिलने के लिए, जो बर्थडे बॉय था यस्टरडे का, तो उसको दिया मैंने ये प्यारा सा गिफ्ट, एक सेल्फी ली और ये थे आधार कार्ड। तो बस दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।